टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है जनहित याचिका। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। मद्रास हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यानी MMBA की मदुरै बेंच ने पूरे राज्य से संबंधित मुद्दों के साथ साथ सभी प्रकार की जनहित याचिकाओं यानी PIL पर सुनवाई करने के बेंच के अधिकार को बहाल करने में सफल रही है। चलिए अब जानते हैं जनहित याचिका के बारे में। जनहित याचिका यानी PIL एक कानूनी उपकरण है जिसका उपयोग मानव अधिकारों, समानता को बढ़ावा देने या महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्याय शास्त्र से ली गई है। भारतीय कानून में जनहित याचिका का तात्पर्य सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर मुकदमे से है। इसकी शुरुआत प्रभावित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि न्यायालय या किसी निजी संस्था द्वारा की जाती है। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति को दर्शाता है। इसे केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही दाखिल किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुरूप है जिसका उद्देश्य कानून के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। जनहित याचिका प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण खतरों और अन्य जैसे विभिन्न मुद्दों को संबोधित कर सकती है। महत्व। PIL सामाजिक परिवर्तन, कानून के शासन को बनाए रखने और कानून एवं न्याय को संतुलित करने का एक प्रमुख उपकरण है। इसका मुख्य लक्ष्य गरीब और हाशिए पर मौजूद व्यक्तियों के लिए न्याय को सुलभ बनाना, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। PIL न्यायिक निगरानी के माध्यम से कारागृहों, शरण स्थलों और सुरक्षात्मक घरों जैसे राज्य संस्थानों की निगरानी में सहायता करता है। यह न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समस्याएं। दुरुपयोग। न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या पहले से ही बहुत अधिक है और जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को लेकर चिंता बढ़ रही है। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत या अप्रासंगिक मामलों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर काफी असंतोष व्यक्त किया और जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी किए। बी, प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारों की समस्या। PIL कार्यवाहियां कभी कभी प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या को उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई न्यायालय प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बंद करने का आदेश देता है तो अपनी आजीविका से वंचित श्रमिकों और उनके परिवारों के हितों पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। अत्यधिक विलंबन। शोषित एवं वंचित समूहों से संबंधित जनहित याचिका के मामले कई वर्षों से लंबित हैं। जनहित याचिका मामलों के निपटारे में अत्यधिक देरी से कई प्रमुख निर्णय केवल अकादमिक महत्व की रह जाएंगे। न्यायिक अतिरेक। सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में न्यायपालिका द्वारा न्यायिक अतिरेक के मामले जनहित याचिकाओं के माध्यम से ही हो सकते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जनहित याचिका यानी PIL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक कानूनी उपकरण है। दो, इसका उपयोग मानव अधिकारों, समानता को बढ़ावा देने या महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। तीन, इसकी अवधारणा ब्रिटिश न्याय शास्त्र से ली गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।